जैसे ही गर्मियां आती हैं हम कितने सारे जतन करने लगते हैं ना, एसी, कूलर, पंखा, इन सब का इस्तेमाल कि कैसे अपने शरीर को ठंडा रखा जा सके। लेकिन योगी किस तरीके से अपने शरीर को ठंडा रखते हैं आज आपको पता चलेगा इस वीडियो को अंत तक देख के। मैं आज आपको कुछ ऐसे प्राणायाम का अभ्यास बता रही हूँ जिनका अभ्यास अगर आप करते हैं तो प्राकृतिक रूप से नेचुरली अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं और ना ही अपने शरीर को अपने मन को शांत कर सकते हैं। और शरीर और मन का शांत होना यानी आप अपने गुस्से पर भी काबू पा सकते हैं। इसके अलावा चिंता, दुख, परेशानी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये किस चिड़िया के नाम होते हैं ये कुछ ही दिनों में आप भूल जाएंगे। भूख और प्यास को कंट्रोल कर सकते हैं, चेहरे पर एक अलग तरीके की रौनक देख सकते हैं, खुशी देख सकते हैं, बालों का झड़ना, गिरना, ये सब कम हो सकता है। एसिडिटी की समस्या है वो कम की जा सकती है। इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है, ब्लड को प्यूरीफाई किया जा सकता है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, जिन भी लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है ना, उन लोगों को इन प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की समस्या है तो इन प्राणायाम का अभ्यास आपको हर रोज़ करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं मेरी निगरानी में योग का अभ्यास करना, आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस में। आपको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है ना, उसमें आपको व्हाट्सएप करना है, या तो नीचे आपको यहाँ भी ये नंबर मिल जाएगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर दें, आपको क्लास के बारे में सारी डिटेल व्हाट्सएप कर दी जाएगी। आज की डेट में देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट के साथ मैं ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ, उनको अपनी निगरानी में योग का अभ्यास करवाती हूँ और उनको उनकी हेल्थ कंडीशन से उभरने में मदद करती हूँ ताकि वो पूरी ज़िंदगी योग का अभ्यास कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आई एम श्योर कि इतने सारे जब मैंने बेनिफिट आपको बताए हैं तो आपको बहुत क्यूरियोसिटी होगी इस वीडियो को जल्दी से देखने में और सारे प्राणायाम समझने में, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे जो घंटी का निशान दिख रहा है ना उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो वो फर्श पर, फ्लोर पर योगा मैट या कोई चटाई बैठ के की जाती है। अब इससे बहुत से लोगों को, उन लोगों को डर होता है जिनकी लोअर बॉडी बहुत स्टिफ होती है, वो फ्लोर पर नहीं बैठ सकते, या जिनके घुटने में दर्द हैं या किसी एक्सीडेंट की वजह से वो फ्लोर में नहीं बैठ पाते, तो वो सोचते हैं कि उनके लिए योगाभ्यास है ही नहीं। ऐसे उन सभी लोगों के दिल और दिमाग से ये डर दूर भगाने के लिए आज मैं कुर्सी पर ही बैठ के आपको ये सारे प्राणायाम का अभ्यास बताऊंगी। अब देखिए, चाहे आप फ्लोर पे बैठें, चाहे आप कुर्सी पे इस तरीके से बैठ के अभ्यास करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपकी कमर, गर्दन और कंधा पूरे के पूरे एक अलाइन हो, सीधे हो, किसी भी तरीके का या तो इस तरीके का झुकाव ना हो या इस तरीके का बहुत तनाव ना हो, आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी सीधी हो, ये ज़रूरी है। तो आप चाहे ज़मीन पर बैठे, फ्लोर पर बैठे, फर्श पर बैठे, अपनी योगा मैट पर बैठे, चाहे आप आराम से अपनी कुर्सी या सोफे के ऊपर बैठे, ज़रूरी ये है कि आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और आसानी से अभ्यास किया जा सके। क्योंकि महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन में स्थिरता हो, सुख हो, वही आसन है, वही योगासन है, स्थिरम सुखम आसनम। तो अब जिसके घुटने में दर्द है वो फ्लोर पर तो बैठ के कर नहीं पाएगा, तो पूरा अभ्यास मैं आज इस कुर्सी पे करूँगी। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास। इसका जब आप अभ्यास करेंगे तो किस तरीके से करेंगे ये ज़रा अच्छी तरीके से देखिए। इनिशियली शुरू में आपके पेट का और आपकी चेस्ट का मूवमेंट महसूस करने के लिए अपने राइट पाम यानी दाहिने हाथ को, हथेली को आपने अपने पेट के ऊपर रख लिया, बाएं हाथ को अपनी छाती के ऊपर रख लिया। अब गहरी लंबी सांस लें, पेट को बहुत अच्छी तरीके से फुलाएँ, छाती को बहुत अच्छी तरीके से फुलाएँ। अब जितनी सांस ली है उतनी ही सांसों को रोक लें। अब धीरे धीरे जितनी सांस ली थी उतनी सांसों को बाहर छोड़ दें। अब बाहर छोड़ने के बाद सांसों को बाहर ही रोकें।
तो ये हो गया समवृत्ति प्राणायाम का एक राउंड। अब जैसे कि नाम से ही पता है, सम यानी इक्वल, वृत्ति यानी जो इसकी रेशियो है, ब्रीदिंग यानी प्राणायाम का अभ्यास, ब्रीदिंग प्रैक्टिस। अभी मैंने 4 काउंट तक इनहेल किया, 4 काउंट तक रिटेन किया, 4 काउंट तक एक्सहेल किया और 4 काउंट तक सांसों को बाहर रोक के रखा। तो इसको वापस से मैं आपको करके बताती हूँ। गहरी लंबी सांस ली, इनहेल, 1, 2, 3, 4, पेट फूल गया, छाती फूल गई, सांसों को रोक लिया, 1, 2, 3, 4। अब सांसों को छोड़ रहे हैं, पेट अंदर, छाती अंदर, 1, 2, 3, 4। अब बाहर सांसों को रोक रहे हैं, 1, 2, 3, 4। इनहेल, सांस लीजिए, सांस रोकिए, सांस को बाहर छोड़िए। बाहर रोक के रखिए, सांस लीजिए पूरक, सांस को अंदर रोकिए आंतरकुंभक, सांस को छोड़िए रेचक, सांस को बाहर रोक के रखिए बहिर्कुंभक। इनहेल, रिटेन, सांसों को रोक लें, छोड़ें, बाहर रोकें, सांस लें, रोकें, छोड़ें और बाहर रोकें। आप चाहें तो दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रख के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सांस लें, रोकें, छोड़ें और बाहर रोकें। एक बार और, सांस लें, इनहेल, रोकें, सांस छोड़ें और रोकें। देखा कितना आसान है समवृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करना। अब जो ये रेशियो मैंने अभी 4 काउंट तक लिया था, इसको बढ़ा के आप 5 काउंट, 6 काउंट, 10 काउंट अपने कंफर्ट के हिसाब से रखिए। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस और इम्प्रूव होती जाए तो ये जो नंबर्स हैं वो इनको और बढ़ाते जाएं। इससे क्या होगा, आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे, शरीर में एक तरीके की एनर्जी महसूस करेंगे, जो आपके ऑक्सीजन लेवल है बॉडी में वो इम्प्रूव हो जाएगा। तभी तो आप ऊर्जावान महसूस करेंगे जब एक एक सेल्स में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन जो है अच्छी तरीके से घुल मिल जाएगी। अब हम अभ्यास कर रहे हैं उज्जायी प्राणायाम का। उज्जायी यानी विक्टोरियस ब्रेथ, उज्जायी का मतलब ही है विक्ट्री। विक्ट्री किस चीज़ पर? मन के फ्लक्चुएशन पर, मन को शांत करने पर, आपके तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को शांत करने पर। और जब मन शांत होगा तो ऑटोमेटिकली हम अपने शरीर में एक तरीके का ठहराव महसूस करेंगे, एक तरीके की शांति और कामनेस महसूस करेंगे। तो चलिए अभ्यास करते हैं उज्जायी प्राणायाम का। किस तरीके से करेंगे? गहरी लंबी सांस नाक से लेंगे और नाक से ही सांस को बाहर छोड़ देंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप नाक से सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो इसमें आपकी गर्दन बहुत अच्छी तरीके से इंगेज हो। अगर इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि गर्दन के इंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ, तो कभी आप जब पूरे दिन का काम ख़त्म करके सुकून से अपने सोफे पे बैठते हैं या बिस्तर पे बैठते हैं तो कैसे गहरी सांस लेते हैं ऐसे, तो गर्दन पर ऐसा हल्का सा फ्रिक्शन महसूस हुआ, घर्षण महसूस हुआ उसी को। लेकिन गर्दन पर ज़्यादा दबाव मत दीजिएगा, है ना। चलिए मैं आपको 3 राउंड और उज्जायी ब्रीदिंग करके बताती हूँ। इनहेल किया नाक से, इनहेल किया नाक से और सांस को नाक से ही छोड़ दिया।
जब आप सांस लें तो इस सांस को पूरे फेफड़े में अच्छी तरीके से भर लें। इससे पेट भी थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा, लेकिन ध्यान सिर्फ नाक से सांस लेने और सांस छोड़ने पर ही लगाएं। सांस लिया, तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से मन का शांत हो जाना महसूस करेंगे। अब जब हम दूसरे प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, इसका नाम है शीतली प्राणायाम। नाम अपने आप में अपना मतलब बता रहे हैं। शीतली मतलब शीतल, काम डाउन, कूल डाउन करना। मुंह में जाती हुई सांस जब सलाइवा यानी लार से टकराएगी तो वो ठंडी हो जाएगी, पेट पर जाएगी, तो पेट की जो गर्मी है उसके साथ घुल मिलके उस सांस को बाहर छोड़ देना है अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी ठंडी नॉस्ट्रिल से। चलिए मैं आपको 3 बार शीतली प्राणायाम का अभ्यास करके बताती हूँ। सांस ली, अपने मुंह से कैसे जीभ को बाहर निकाला और इसको ट्यूब बना लिया। पूरी सांस लेके चिन को कोलर बोन की तरफ धीरे धीरे ऐसे ड्रॉप कर दें और सांसों को रोक के रखें। जैसे डब्बे में ढक्कन बंद करते हैं ना, उस तरीके से लॉक कर दें। इसको कहते हैं जालंधर बंद। और फिर धीरे से गर्दन को उठाएं और सांस को धीरे धीरे इत्मीनान से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दें। सांस लें अपने मुंह से, चिन को कोलर बोन की तरफ ड्रॉप करें, रोक लें सांस को। और फिर धीरे से हेड अप करें, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और ठंडी नॉस्ट्रिल यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे छोड़ें। एक बार और करके बता रही हूं, जीभ बाहर निकालें, मोड़ लें, मुंह से सांस लें, जलंधर बंद, और फिर धीरे धीरे सर को उठाएं, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दें। शीतली प्राणायाम का अभ्यास अगर ना कर पाए, जीभ अगर इस तरीके से ना मुड़ पाए, ट्यूब ना बन पाए, तो वो लोग कर सकते हैं शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। टंग को अंदर ही रखें। अब अपने ऊपर वाले दांत को, नीचे वाले दांत को, ऊपर वाले जबड़े को नीचे वाले इस तरीके जोड़ लिया। मुंह से सांस लिया, चिन को कोलर बोन की तरफ ड्रॉप करके जलंधर बंद लगा लिया और पूरी सांस को अंदर रोक ली गर्दन से नीचे। और ध्यान अपनी चाहे तो गर्दन पर रखें। फिर उसके बाद सर को ऊपर किया और धीरे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को छोड़ दिया। जब आप थ्रोट लॉक करते हैं ना, तो इससे पूरे थ्रोट रीजन पर बहुत अच्छी मसाज मिल जाती है और यही मदद करता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। आपके टॉन्सिल्स को गहरी मसाज देगा, पूरी की पूरी ध्वनि यंत्र को, आपके लैरिंग्स फेरिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से मसाज देगा। चलिए सेकेंड राउंड। धीरे से हेड अप करें और सांस को राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दें। एक बार और गहरी लंबी सांस लें, मुंह बंद कर लें, और धीरे से हेड अप करें और सांस को धीरे धीरे ऐसे छोड़ दें। कुछ ही देर में शरीर में बहुत ही ठंडक आप महसूस करेंगे।
अब अगर बहुत से लोगों के दांत टूटे हुए होते हैं, दांत मिसिंग होते हैं, वो शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? काकी प्राणायाम का अभ्यास। जैसा कि नाम से पता हो रहा है, काक यानी कौआ, क्रो, तो इसमें कौवे की तरह अपना चोंच बनाना है, पाउट बनाना है। तो जो जीभ ना मोड़ पाए, दांत ना जोड़ पाए, वो अपने होठों को मोड़े ऐसे, मुंह से सांस ले लिया, मुंह बंद कर लिया, चिन को कोलर बोन की तरफ ऐसे ड्रॉप कर लिया, हेड अप किया, अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दिया। दो बार और काकी प्राणायाम का अभ्यास। गटक गए पूरी सांस को, पी गए पूरी सांस को, चिन को कोलर बोन की तरफ ड्रॉप किया, बंद किया और धीरे से सर को उठाया, लेफ्ट से छोड़ दिया। एक बार और गटक गए, पी गए, चिन को कोलर बोन की तरफ ड्रॉप कर दिया, हेड अप किया और धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दिया। अब बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि इन प्राणायाम का अभ्यास कितनी बार करना है, तो आपको इन प्राणायाम का अभ्यास 20 से 25 बार कर लेना चाहिए। लेकिन उन लोगों को ये प्राणायाम का अभ्यास 5 से 7 राउंड करना चाहिए जिनको बहुत ही ज़्यादा पुरानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, या कि बहुत लेजी हैं, वीकनेस महसूस करते हैं, तो इन लोगों को कम से कम 5 से 7 राउंड इस प्राणायाम का अभ्यास कर लेना चाहिए। गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो 9 राउंड अभ्यास कर लें, इसके अधिक ना बढ़ाएं, ताकि इसका फ़ायदा भी मिल जाए और इससे कोई भी परेशानी ना हो। देखा आपने कितना ज़्यादा आसान है ना अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से नेचुरली ठंडा और चुस्त दुरुस्त रखने में। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपने खुद भी देखी होगी और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप करके ज़रूर शेयर किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को भी जाते जाते ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्ते।